अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएंगे जो घर में बड़ा आसानी से तैयार हो जाता है। चिकन ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 स्लाइस लिए हैं डबल रोटी के, चीज़ लिए है आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं हसबे ज़रूरत ली है, प्याज चॉप किया हुआ लिया है मैंने हसबे ज़रूरत, शिमला मिर्च ली है मैंने चॉप की हुई हसबे ज़रूरत, पीली शिमला मिर्च ली है मैंने चॉप की हुई हसबे ज़रूरत, टमाटर लिए हैं मैंने चॉप किए हुए वो भी हसबे ज़रूरत, ओलिव्स लिए हैं मैंने हसबे ज़रूरत, पिज़्ज़ा सॉस लिया है मैंने हसबे ज़रूरत। पिज़्ज़ा सॉस मैं आपको पहले घर में बनाना सिखा चुकी हूँ, ये आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा इसका लिंक। एक चम्मच सोया सॉस लिया हमने, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया हमने, आधी चम्मच नमक लिया है, सुरख मिर्च पाउडर लिया आधी चम्मच, चिली सॉस लिया हमने एक चम्मच, नींबू का रस लिया हमने एक चम्मच, दो चम्मच हमने दही लिया है, चिकन लिया हमने हड्डी के बगैर एक कप, चॉप किया हुआ हमने लिया है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। चिकन को हमने खुले बाउल में डाल लिया है, इसको मसाले लगाएंगे, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस, सोया सॉस, चिली सॉस, दही, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसको हमने इसके ऊपर ढक्कन दे के तो इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। एक चम्मच हमने तेल का डाल देना है, मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने डाल देना है, चिकन हमने डाल दिया है, इसका पानी हमने खुशक करना है जब तक हमारा जो चिकन है ना गल जाए, फिर इसको अच्छी तरह भून लेना आपने। चिकन तैयार हो गया है, 5 मिनट लगे हैं सिर्फ इसको तैयार करने में, ये देखें आसानी से तैयार हो गया। 2 स्लाइस दिए हमने पहले, ये पिज़्ज़ा सॉस है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले एक के ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, ये सारी आपने इसके ऊपर फैला देनी है। दूसरे के ऊपर भी आपने ऐसे ही लगा लेनी है। अब हम चिकन लगाएंगे, दूसरे के ऊपर भी ऐसे ही रख दें। अब ऊपर से मैंने सब्जियां डाल देनी है, अब ऊपर से चीज़ डाल दें, अगर चीज़ नहीं है तो आप स्लाइस भी ले सकते हैं, चीज़ स्लाइस होते हैं।
से फैला दें ऊपर से। अब ऊपर से ऑलिव्स लगा दें, दूसरे भी आपने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। तवा लिया मैंने, तवे के ऊपर मैंने ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास वो पैन है, अवन है, तो उसमें भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगा लेना है इसके ऊपर। ये मैंने ढक्कन दे दिया इसके ऊपर, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने ढक्कन दिया है, ठीक है, जब तक हमारी चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाए। ब्रेड पिज्जा तैयार हो गए हैं, चीज मेल्ट हो गई है, ठीक है। अब इसको हम ढक्कन उतारेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने दूसरे भी तैयार करने हैं। चिकन ब्रेड पिज्जा तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। अगर आपके बच्चों को सब्जियां नहीं पसंद है तो आप ऐसे बना के खिलाएंगे, बड़ा पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।